हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम इस वीडियो में इस सीलिंग फैन का कैपेसिटर बदलना सीखेंगे, जिसमें कि 3 वायर हैं। यह इसका कनेक्टर है और यह इसका 2.5 MFD का कैपेसिटर है। इस फैन में 3 वायर निकाले गए हैं, जिसमें कि एक लाल कलर का है, एक पीले कलर का है और एक काले कलर का है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज बोर्ड से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कॉमन वायर कौन सा है और कैपेसिटर वायर कौन से हैं। तो सीरीज वायर को आपस में लगा कर देखते हैं तो सीरीज बल्ब जल जाता है। तो यह देखिए दोस्तों, लाल वायर और पीले वायर में सीरीज वायर लगाने से बल्ब तेज जलता है और पीले वायर और काले वायर में सीरीज वायर लगाने पर बल्ब धीमा जलता है। तो जिन 2 वायरों में हमारा बल्ब धीमा जलता है वह कैपेसिटर वायर होते हैं, और जिस वायर में बल्ब तेज जलता है वह कॉमन वायर होता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर वायर को कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद अब हम सीरीज से फैन को टेस्ट करते हैं। तो एक वायर कॉमन में लगाते हैं, दूसरा कैपेसिटर वायर में लगाते हैं। तो देखिए फैन घूमने लगता है, पर यह उल्टा घूम रहा है। तो हम अब दूसरे वायर में लगा कर देखते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह दूसरी दिशा में घूमने लगता है। यह सीधी दिशा है जिसमें कि फैन चलता है। तो अब हम कनेक्शन कनेक्टर में कर लेते हैं। नीचे हम कॉमन वायर को लगाते हैं, उसके बाद हम कंडेंसर वायर को लगाते हैं। यह ब्लैक वायर है जो कि रनिंग कॉइल का वायर है, जिसमें कि बल्ब धीमा चल रहा था। और इस वायर को हम कनेक्टर के बीच में लगा देते हैं और इन 2 कनेक्टर में हम एसी सप्लाई देते हैं। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। यह देखिए दोस्तों, यह एसी सप्लाई है और इस तरफ यह 2 कंडेंसर कनेक्शन और नीचे कॉमन सप्लाई होती है। अब हम इस फैन को सीरीज बोर्ड से टेस्ट कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, हमारा फैन सही दिशा में घूमने लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।